जिंदगी रुकने का नाम ही नहीं लेती, हर रोज कुछ ना कुछ भागदौड़ लगी रहती है। एंड इन सारी चीजों में ठहर पाना, संभल पाना, समता से काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। ये 11 चीजें जो मैं अपनी जिंदगी में लागू कर पाया हूं टू अडॉप्ट अ मिनिमलिस्ट अप्रोच, एक ऐसा अप्रोच जिसके चलते मेरा दिमाग सही चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत ओवरवेल नहीं होता है। नंबर एक, द सिंगापुर रूल। मुझे नहीं पता कि अगर आपको ये पता है कि नहीं, सिंगापुर में इंटरेस्टिंगली द नंबर ऑफ प्राइवेट कार्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम रिमेन्स द सेम। सिंगापुर हर एक प्राइवेट गाड़ी को सड़क पे लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑक्शन प्रोसेस करता है, और अगर कोई नई गाड़ी आती है तो उसके लिए पुरानी गाड़ी को सड़क से बाहर निकलना पड़ता है। अब इसी रूल को मैं अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं कोई भी चीज खरीदूं जिसका कोई और रूप मेरी जिंदगी में ऑलरेडी है, तो उस नई चीज को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे किसी पुरानी चीज को बाहर निकालना पड़ेगा, सो दैट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दोज आइटम्स रिमेन द सेम। सिंपल एग्जांपल, नंबर ऑफ टी-शर्ट्स। मेरे लिए नंबर ऑफ टी-शर्ट्स हमेशा सेम रहनी चाहिए। मेरे पास करीब 13 टी-शर्ट्स हैं एंड उनमें से वही सेम रिपीट होती रहती हैं, वही ब्लैक टी-शर्ट, वही ब्लू टी-शर्ट, वही सेम रंग, लेकिन मैं टी-शर्ट्स खरीदता नहीं हूँ। हाँ, बहुत सारी टी-शर्ट्स मुझे गिफ्ट मिलती हैं, कभी किसी ने दे दिया, कभी किसी ने दे दिया, तो अगर कोई भी नई टी-शर्ट मेरी जिंदगी में आती है तो उसके लिए एक पुरानी टी-शर्ट को मेरी जिंदगी से निकलना होगा। द सेम थिंग अप्लाइज टू टॉयज एज वेल फॉर आर किड्स। हम उनको बोलते हैं कि बर्थडे पे तुम्हें अनगिनत तोहफे मिलते हैं, ये सेट, वो सेट, ये लेगो, ये गेम, अगर तुम्हें उसमें से कोई भी पसंद आए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी नए खिलौने को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक एग्जिस्टिंग खिलौना तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालना होगा। द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू नीड शुड बी द सेम। ये कपड़ों के लिए लागू होता है, खिलौनों के लिए लागू होता है, गैजेट्स के लिए लागू होता है, एंड सिर्फ एक चीज है जिस पे हम इसको लागू नहीं करते, वो है किताबें। हम किताबें खरीदते रहते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करते, एक तरीके की लाइब्रेरी बनी जा रही है, बट फॉर एवरीथिंग एल्स द सिंगापुर रूल। नंबर दो, द नो ब्रेकिंग प्रॉमिसेस रूल। ये एक बहुत पावरफुल रूल है, इनफैक्ट ये और जो लास्ट वाला रूल है ये मेरा फेवरेट रूल। इस रूल का इंसाइट ये है कि हम अक्सर अपने साथ बहुत वादे करते हैं, मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से चीनी छोड़ दूंगा, मैं कल से पढ़ना शुरू कर दूंगा, मैं कल से ये करूंगा, वो करूंगा, एंड जितनी बार भी हम खुद के साथ किए हुए वादे को तोड़ते हैं हमारे जहन में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाती है, क्योंकि हम खुद ही के वादे निभा नहीं पा रहे। सो आई हैव अ वेरी सिंपल रूल कि मैं खुद के साथ किया हुआ कोई भी वादा तोड़ूंगा नहीं। तो या तो मैं वादा करूंगा ही नहीं, या अगर करूंगा तो उसे पूरा का पूरा निभाऊंगा। एंड दिस इंश्योर्स टू थिंग्स, एक कि मैं अच्छे से अपने आप से पूछता हूं कि क्या ये इस वादे को मैं निभा पाऊंगा, और अगर नहीं तो मत करो, यू नो व्हाट, इसको ऐसे ही रहने दो। एंड दूसरा, क्योंकि मैं हर अपने आप से किए हुए वादे को निभा पाता हूं, मेरे खुद की इज्जत मेरी नजरों में कभी भी गिरती नहीं है, एटलीस्ट नॉट ऑन दिस फ्रंट। एंड मैं ये दावे के साथ लिख के दे सकता हूं, मैं आपको पर्सनली नहीं जानता, कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है द नंबर ऑफ प्रॉमिसेस यू मेक टू योरसेल्फ एंड एंड अप ब्रेकिंग। इसी के चलते नंबर थ्री, द टू डे रूल। कोई भी चीज जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं, कोई भी आदत डालना चाहता हूं, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, किताब पढ़ना हो, जिम जाना हो, पढ़ाई करनी हो, कोई हॉबी हो, व्हाटएवर द केसेस, द टू डे रूल सेज कि दो लगातार दिन मैं उस हैबिट को स्किप नहीं कर सकता। हाँ, एक दिन कर सकता हूं, क्योंकि कभी मूड नहीं होता, कभी काम में बिजी होते हैं, कुछ भी हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन दो लगातार दिन उस आदत को आप छोड़ नहीं सकते। तो चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो जिम जाना हो, एक दिन छोड़ दीजिए, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन उसके अगले दिन जाना ही पड़ेगा। एंड दिस गोज बैक टू द सेम थिंग ऑफ नो ब्रेकिंग प्रॉमिसेस रूल, कि खुद के साथ किए हुए वादे को आप तोड़ेंगे नहीं। एंड अ ब्यूटिफुल सिंपल पावरफुल वे ऑफ डूइंग दैट इस किसी भी आदत को आप एक से ज्यादा दिन का ब्रेक नहीं देंगे। नंबर चार, द 30-day रूल। इस रूल के बारे में मैं अक्सर बात कर चुका हूं, लेकिन ये इतना बढ़िया रूल है कि इसको जितनी बार भी रिपीट करें कम होगा। कोई भी चीज की अगर आपको इच्छा हो, वो नया फोन हो, कोई नए कपड़े हो, जूते हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, आप अपने आप से ये पूछेंगे कि क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है कि नहीं,
एंड द बेस्ट वे टू आंसर दैट क्वेश्चन इज 30 दिन वेट करिए। हम जिस भी चीज की इच्छा करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर वो आज हमारी जिंदगी में नहीं आए तो जिंदगी बर्बाद होगी, नहीं, तो हम 30 दिन आराम से वेट कर सकते हैं। लेकिन 30 दिन बाद आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या मुझे इस चीज की जरूरत अब भी महसूस होती है या नहीं। एंड इट्स सरप्राइजिंग हाउ मेनी टाइम्स आंसर होगा नहीं, नहीं होती। दिस 30-day रूल इंश्योर्ड कि मैं अपनी जिंदगी को क्लटर फ्री रखूंगा, मैं अपनी जिंदगी में जबरदस्ती की चीजें लाद लाद के अपने आप को ही मजबूर नहीं कर दूंगा कि मैं उनका गुलाम बन चुका हूं एज अगेंस्ट द अदर वे अराउंड। एंड दिस इज व्हाई आई लव दिस। नंबर 5, द डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। दिस इज परहैप्स द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल। आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका दिमाग भटक गया, अरे उसको कॉल करना था, अरे वो चीज करनी थी, ओ वो चीज रह गई है। एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड एज समथिंग यू हैव टू डू, डिफरेंट फ्रॉम अ डिस्ट्रैक्शन जहां आप फोन खोल के बैठ जाते हैं और रीलों में घुस जाते हैं या शॉर्ट्स में ही समा जाते हैं, वो नहीं, ये अलग डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन है आपके ख्याल से, आपके ख्याल आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जा रहे हैं। बट यू हैव टू फोकस ऑन वॉट यू आर डूइंग राइट नाउ। द बेस्ट वे टू डू दैट इज कीप अ नोटबुक नेक्स्ट टू यू, उसका नाम होगा द डिस्ट्रैक्शन नोटबुक। उस नोटबुक का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो भी ख्याल आपके आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको आप लिख देंगे। यू विल इंस्टेंटली राइट इट डाउन। होता क्या है, नंबर 1, जब भी हम कोई चीज लिखते हैं हमारे जहन में ये बात समा जाती है कि ये चीज शायद जरूरी है, इसीलिए हम एफर्ट मार के इसको लिख रहे हैं, तो दिमाग में ये रजिस्टर हो जाता है कि यार ये चीज जरूरी है। नंबर 2, जैसे ही हम उस चीज को लिख देते हैं हम अपने दिमाग को ये भी बोलते हैं कि यार ये रिमेंबरिंग का टास्क खत्म हो चुका है, करने का भी बचा हुआ है, लेकिन याद रखने का जो हमारा जरिया था या जो हमारा टास्क था वो खत्म हो चुका है। एंड दिस फ्रीज योर माइंड। तो आपका दिमाग याद रखने से करने वाले मोड पे चला जाता है, लेकिन करने के लिए उसके दिमाग में ये भी रजिस्टर हो चुका है कि क्योंकि आपने लिखा है ये जरूरी है, हम वापस आ जाएंगे। एंड देन यूज दैट डिस्ट्रैक्शन नोटबुक जब आप एकदम फ्री हैं, जब आप एक्चुअली किसी काम में अपने आप को डिवोट कर सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन नोटबुक को खोलिए एंड देखिए कि कौन कौन सी चीजें थी जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। ज्यादा फालतू चीजें होंगी, लेकिन कुछ कुछ होंगी जो शायद वाकई में जरूरी हैं, उनको कर लीजिए, उनके लिए वक्त बनाइए, उनको अपने कैलेंडर में स्केड्यूल करिए। बट व्हाट यू आर डूइंग इज इन दैट मोमेंट फ्रीइंग योरसेल्फ ऑफ क्लटर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। नंबर 6, द बॉक्स रूल। बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है, तो ये एक यूएस या वेस्टर्न फिनोमेना से इंस्पायर्ड है। यूएस या वेस्टर्न फिनोमेना में ज्यादातर हर चीज को ना बॉक्सेस में रखा जाता है, क्योंकि उनके पास गराजेस होते हैं, स्टोरेज स्पेस होती है, हमारे पास इतना नहीं होता है, तो किताबें वो बॉक्सेस में रखते हैं, कपड़े भी वो बॉक्सेस में रखते हैं, जूते भी वो बॉक्सेस में रखते हैं। एंड द रूल सेज कि अपनी जिंदगी में ये पता करने के लिए कि कौन सी चीजें वाकई में आपकी जिंदगी के लिए जरूरी हैं कि नहीं, यूज द बॉक्स। तो कोई भी चीज जिसमें आपको शक है कि यार ये चीज मेरी जिंदगी में फालतू है या एक्चुअली नेसेसरी है, उसको आप अपनी आंखों से हटा दीजिए, तो एक तरीके से उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए, चाहे वो एक अलमारी में डाल दें, चाहे वो एक्चुअली एक बॉक्स में डाल दें, चाहे कहीं छिपा दें, बेसिकली अपनी नजरों के सामने उस चीज को हटा दीजिए। एंड देन आस्क योरसेल्फ वेदर यू एक्चुअली मिस दैट थिंग और नॉट। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, क्या आपको याद भी है कि वो चीज आपकी नजरों के सामने है कि नहीं है, क्या आप एक्चुअली उस चीज को मिस कर रहे हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज हाउ मेनी कोट एंड कोट यूजलेस थिंग्स हमारी जिंदगी में सिर्फ सामने पड़ी रहती है, एंड हमें लगता है कि यार कभी हम इसको यूज करेंगे, कभी तो इसका यूज होगा, नहीं 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 ये जरूरी है क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन वो नहीं होंगे। एंड दैट tells you the significance of things in your life, which brings me to a very interesting rule. Number 7, reporting the robbery rule. Iske liye thoda sa kalpanik ek situation. Farz kariye, khuda na khasta, aapke ghar mein chori ho jati hai. Har ek cheez chor chori karke le jata hai. And agle din aapko thane jaake report likhwani hai. एंड आपके इंश्योरेंस कंपनी में वो मांगते हैं कि यार आप लिस्ट दे सकते हैं वो सारी चीजों की जो आपके घर से चोरी हुई है। आपके पास 1 दिन का टाइम। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट हैज गॉटन स्टोलन,
एवरी सिंगल थिंग. ये नहीं बोल सकते 13 टी-शर्ट्स ना, एक एक टी-शर्ट का नाम लेना होगा, एक एक फाइल का नाम लेना होगा, एक एक प्लेट, एक एक चम्मच, एक एक फोन, एक एक चार्जर, एक एक जूता, एक एक किताब का नाम लेना होगा. एंड यू कैन सी वेयर दिस इज गोइंग. एक दिन बाद 24 घंटे ले लो, एक दिन बाद आपको जो जो चीजें याद रहेंगे ना, वो ही आपके लिए सबसे जरूरी है. बाकी हर एक चीज फालतू ही थी, एक्सेस में थी, जरूरी नहीं थी. एंड दैट इज सो फैसिनेटिंग, क्योंकि मुझे अगर बोला जाए यार तुम्हारी सारी किताबों में से अगर तुम्हें चोरी की एक रिपोर्ट लिखानी हो कि कौन कौन सी किताबें चोरी हुई हैं, मैं शायद 10 या 20 किताबों से ज्यादा का नाम नहीं ले पाऊं. अपनी सारी टी-शर्ट्स में से कौन सी चोरी हुई है, ये ब्लैक टी-शर्ट बोल दूंगा, एक ब्लू जो मेरी फेवरेट है, एक ब्राउन जो मेरी फेवरेट है, एक व्हाइट जो मेरी फेवरेट है, वही नाम लूंगा. वो कौन सी जीन्स है, वही दो जीन्स हैं. वो कौन सी निक्कर है, वही दो निक्कर है. वो कौन से जूते हैं, वही दो जूते हैं. Everything will boil down to the essentials. वो चीजें जो जरूरी है. And this exercise tells you truly कि कौन कौन सी चीजों में आपको वाकई अपना वक्त बिताना है एंड कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में जबरदस्ती पर लोड डाल रही है. नंबर 8, रिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन रूल. ये दुनिया इंफॉर्मेशन ओवरलोड से सफर कर रही है. हर एक चीज आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रही है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, सोशल मीडिया हो, ईमेल हो, व्हाट्सएप हो, लोग हो, न्यूज चैनल्स हो, हर एक चीज आपको इंफॉर्मेशन दे रही है. तो अगर आप सारी इंफॉर्मेशन के पीछे भागते रहेंगे क्योंकि आपको फोमो महसूस होता है और आपको लगता है कि यार कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो फिर तो भैया टाटा गुड बाय, आपका संतुलन हिल गया. व्हाट यू शुड कंसिडर इज लिमिटिंग द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर योर लाइफ. आपको जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिलता है उसको लिमिट करने की कोशिश करिए. आप एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सोर्सेज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप एजुकेशन के लिए भी बहुत सोर्सेज यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंफॉर्मेशन के लिए अपने सोर्सेज को लिमिट करिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए न्यूज कम्स फ्रॉम 3 सोर्सेज. न्यूज़पेपर, जो कि मैं हर रोज पढ़ता हूं, लेकिन वो एक दिन पुरानी न्यूज होती है, दैट्स परफेक्टली फाइन, मैं अपनी पेस में उसको पढ़ता हूं. दूसरा ट्विटर, जिससे मुझे रियल टाइम जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो मिलती है. एंड नंबर 3, ईमेल, क्योंकि मैंने कुछ कुछ न्यूज़लेटर्स एंड कुछ कुछ जर्नल्स में सब्सक्राइब किया हुआ है जो मुझे न्यूज लेड इंफॉर्मेशन देती है. यही 3 है मेरे जरिए न्यूज अक्वायर करने के. मैं कोई न्यूज साइट नहीं देखता हूं या पढ़ता हूं, मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता हूं या सुनता हूं, मैं कोई रेडियो शो या न्यूज नहीं करता हूं, मैं व्हाट्सएप की न्यूज पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही उसको पढ़ता हूँ. मैं किसी ऐसे ग्रुप में नहीं हूँ जहाँ न्यूज आती रहती है, अगर आती भी है तो वो सारे म्यूट में हैं ग्रुप. मेरे लिए न्यूज एज एन इंफॉर्मेशन इज ओनली लिमिटेड टू 3 सोर्सेज और मैं कहीं और से वो न्यूज कंज्यूम नहीं करता हूँ. एंड दिस अलाउज मी टू फोकस, इट ऑल्सो अलाउज मी टू नॉट बी ओवरवेल्म्ड विद न्यूज फ्रॉम ऑल अक्रॉस. यही सेम चीज आप किसी भी और चीज के लिए कर सकते हैं. आप अपने बकेट्स डिसाइड कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन के मेरे ये बकेट्स हैं. न्यूज का एक हो गया, मे बी करंट अफेयर्स का कुछ हो गया, मे बी कहीं कुछ और, वट एवर द केस इज, बट यू विल लिमिट द सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. अ पावरफुल हैक देयर इज इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप्स. इन्फॉर्मेशन अबाउट रिलेशनशिप्स सबसे ट्रिकी चीज है, क्योंकि रिश्तों के बारे में आपको पूरी दुनिया कुछ ना कुछ बताती रहती है. आपके माँ बाप के साथ के रिश्ते में आपके भाई बहन आपको कुछ बताएंगे, आपकी पत्नी या पति आपको कुछ बताएंगे, आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपको कुछ बताएंगे, आपके माँ या पापा अवे फ्रॉम द अदर पेरेंट कुछ बताएंगे, 4 करोड़ कोनों से आपको खबर मिलती रहेगी, मासी भी कुछ, ताया भी कुछ, नानी भी कुछ, ये भी सब. यू हैव टू डिसाइड कि मेरा, व्हेन इट कम्स टू से माय मॉम, माय डैड और माय सिबलिंग्स और माय पार्टनर, मैं किसकी सुनूंगा, व्हाट विल बी माय इंफॉर्मेशन सोर्स. इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों से बात करना बंद कर देंगे ना, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन एक नए या एक्सटर्नल सोर्स से आएगी, आप उस पर यकीन नहीं करेंगे, ना ही एक्ट करेंगे टिल यू वैलिडेटेड फ्रॉम योर ओन सोर्सेस. एंड दिस मेक्स इट सुपर इजी टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ रिलेशनशिप. लार्जर पॉइंट, इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करिए, उसके सोर्सेस को लिमिट रखिए, एंड दैट विल अलाउ योर माइंड टू नॉट बी ओवरवेल्म्ड. नंबर 9,
द लिमिट्स रूल। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वन बट इक्वली इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं अगर हम इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हैं, हम यूट्यूब से एडिक्टेड हैं, हम नेटफ्लिक्स से एडिक्टेड हैं, हम पोर्नोग्राफी से एडिक्टेड हैं, क्या करें? एंड मेरा सिंपल जवाब होता है ऐप डिलीट कर दो। नहीं नहीं, ऐप नहीं डिलीट हो सकता क्योंकि वो एंड्रॉयड है तो यूट्यूब नहीं डिलीट कर सकता। ठीक है, तो टाइमर्स डालो, लिमिट डालो, सेट लिमिट्स। ये जानने की कोशिश करिए कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कंप्यूटर इंजीनियर्स 2400 घंटे सिर्फ एक काम पे लगे हुए हैं, आपको उनके ऐप से एडिक्टेड करवा देना। वी हैव नो होप इन हेल। हमें ऐसा लगता है कि हम मोटिवेशन पे रिलाई करके बोलेंगे नहीं, मैं सिर्फ 15 मिनट देखूंगा सोने से पहले, और वो 15 मिनट एक घंटा दो घंटा हो जाते हैं। क्यों? लत लग चुकी है। They understand how to get us addicted, so we can't fight that. The only thing we can do is to restrict access. Cut it, completely cut it. तो इसीलिए हर एक ऐप जिस पे आपको लगता है आप अपना कंट्रोल नहीं एक्सरसाइज कर पाते, उस पे एक टाइम लिमिट सेट करिए। उस टाइम लिमिट पे एक पासवर्ड डालिए। वो पासवर्ड आप नहीं, आपका पार्टनर, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, आपके माँ बाप आपके लिए सेट करेंगे। Which means, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा आप वो पासवर्ड डाल के उसको फिर से शुरू नहीं कर सकते। आपको किसी से पूछना पड़ेगा, जितनी बार पूछेंगे उतनी बार होपफुली शर्म आएगी, उतनी बार अपने आप पे आपको घिन लाएगी, एंड दैट विल मेक यू मोर एंड मोर अकाउंटेबल टू नॉट डू इट एवरी सिंगल टाइम। हाँ, जरूरत के वक्त आप जरूर कर सकते हैं, बट एवरी डे विल नॉट बिकम अ नॉर्मल अफेयर। दिस is a rule that allows you to be minimal in your consumption of content and also discipline. Number 10, the fasting rule. व्रत रखना, अभी नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो कुछ कुछ लोगों ने व्रत रखा हो गया। जो भी व्रत रखना हमारे कल्चर में एक तरीके से establish चीज है, लेकिन हम हमेशा खाने के बारे में सोचते हैं जब हम व्रत के बारे में सोचते हैं। Move to other areas of fasting. Number 1, money fast. एक ऐसा दिन हफ्ते में या दो हफ्ते में या महीने में जहां आप एक भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। You will not spend any money, and you will then recognize कि उसके लिए planning चाहिए, discipline चाहिए, and of course you need to be very sure कि आप किस चीज को कैसे execute करेंगे without the use of money। क्योंकि जिंदगी तो जीनी होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि Uber वाला नहीं लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे या कॉलेज नहीं जाएंगे, वो सब चीजें तो करनी होंगी, लेकिन उसमें आप कहीं भी पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो एक, पैसे का फास्ट। दूसरा, इंफॉर्मेशन का फास्ट। एक ऐसा दिन जहां आप कोई भी सोशल मीडिया एक्सेस नहीं करेंगे, नथिंग एट ऑल, कोई भी सोशल मीडिया ऐप आप एक्सेस नहीं करेंगे फॉर वन एंटायर डे। यू विल एक्चुअली फील गुड, आई अश्योर यू दैट। आपको जेन्युइनली अच्छा लगेगा। शुरू शुरू में बहुत तकलीफ होगी, अरे क्या हो रहा होगा, मैं कट ऑफ हो चुका हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे दोस्तों के साथ क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, वो सब क्या हो रहा है। बट द मोर यू स्पेंड टाइम अवे फ्रॉम इट, द बेटर यू विल फील अबाउट योरसेल्फ। एंड नंबर 3, खाने का फास्ट। एंड खाने के फास्ट में जैसे कि आप फास्ट करते हैं वैसे ही करना है, एलोंगेटेड पीरियड्स ऑफ टाइम जहां आप खाना नहीं खाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही वो फास्ट खत्म हुआ तो एकदम पागलों जैसे खाना खाना है ना, यू स्टिल हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन। मैं जैसे हर रोज 18 घंटे का फास्ट करता हूं, मेरी सिर्फ 2 मील्स होती हैं दिन में, सुबह के 11 बजे और शाम के 4:30 बजे। उसके बाद मैं कुछ नहीं खाता हूं अगले दिन 11 बजे तक, एंड अपनी बॉडी को एक 18 घंटे का रेस्ट देता हूं, सो दैट इट रिकवर्स फ्रॉम द फूड। एंड आई ऑल्सो रियलाइज कि कोई एनर्जी लॉस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सुबह मैं टेनिस खेलता हूं 1 घंटा, जिम जाता हूं 1 घंटा, अपना पूरा दिनचर्या शुरू करता हूं, एंड 11 बजे ही मेरा पहला मील आता है, एंड मैंने लास्ट मील 4:30 बजे पिछली रात को या पिछली शाम को खाया होता है। नथिंग चेंजेस, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट इज सो रेजिलिएंट दैट वी डोंट रियलाइज द पावर ऑफ इट अंटिल we get to this, which brings me to the last and perhaps the most favorite rule of all, 6-5-1-20 rule. ये rule बोलता है कि 6 दिन हफ्ते में खुद के साथ 5 मिनट और 1 दिन हफ्ते में खुद के साथ 20 मिनट। आप चूज करिए कि वो 6 दिन कौन से होंगे, आप चूज करिए कि वो 1 दिन कौन सा होगा, लेकिन ये 5 मिनट हर रोज 6 दिन के लिए और एक 20 मिनट का दिन जहां आप खुद के साथ आंखें बंद करके अपने ख्यालों में सिर्फ वक्त बिताएंगे। आप ना किसी को सुनेंगे, ना कोई म्यूजिक, ना कोई मेडिटेशन, ना कोई किताब, ना कोई इंसान, शोर में नहीं। जितना ज्यादा
आप सन्नाटे में सिर्फ खुद के शोर के साथ वक्त बिता सकते हैं, उतना ही अच्छा रहेगा। दिस विल बी द स्टार्ट ऑफ यू बीइंग कंफर्टेबल विद योर ओन सेल्फ। सबसे मुश्किल इंसान जिसके साथ हम रिश्ता अपनी जिंदगी में बनाते हैं वो होता है खुद। एंड अगर हम खुद के साथ का एक रिश्ता बना सकें और खुद के साथ का रिश्ता खूबसूरत बन जाए, देन अ लॉट ऑफ थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। तो ये 11 मेरी जिंदगी में अपनाए हुए एब्सोल्यूटली वर्किंग विद इम्पैक्ट रूल्स टुवर्ड्स मिनिमलिज्म, जो मैं आशा करता हूँ 2023 खत्म होने से पहले पहले आप अपनी जिंदगी में लागू करेंगे, ताकि 2024 से जिंदगी एक अलग ही रूप धारण कर। अंकुर वारे को साइनिंग। मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, डू एपिक शिट एंड गेट एपिक शिट डन। डू एपिक शिट इज मोर अबाउट लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर्स जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं, एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में।